गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। और अभी हम मनाली में ही हैं, वापस शिशु सागर दरियों के हुए और वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का। सुबह से बारिश तो हो रही है आज, देखो स्नोफॉल होता नहीं होता। तैयार हो गया, बैक शॉट निकाल लिए और अभी चलने की कोशिश करते हैं हंता पास की तरफ। अगर जाने दिया तो स्नोफॉल हंता पास में शायद हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। और ऊपर आप माउंटेन्स पे देखोगे ना तो ऊपर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो आज रात तक या कल सुबह तक मनाली में भी स्नोफॉल आ जाएगा, तो देखो क्या होता है। और बाकी हम तपास चलते हैं, वहाँ का स्नोफॉल दिखाता हूँ आपको अगर ध्यान दिया गया तो, वरना मड़ी गुलाबा या फिर सलांग वैली कहीं तो जाने देंगे, जहाँ स्नोफॉल होगा वहीं चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं रास्ते में। हम तपास के लिए जा रहे हैं, हम ये ऊपर से जो रोड आ रहा है इधर से नीचे से, ये दोनों इधर जा रहे हैं, वो पीछे वो जा रहा है सोलांग वैली। उस तरफ जाओगे आप सोलांग वैली, सोलांग वैली के लिए आप इधर मनाली से आके लेफ्ट लोगे, राइट लोगे तो ये हमता पास की तरफ जा रहा है। चलो बाकी भी दिखाता हूँ आगे। मनाली के साथ वाले रोड से आएंगे तो ये है रोड वेलकम, दिख नहीं रहा है, बारिश बहुत तेज आंखों पे लग रही है, पढ़ नहीं पा रहा मैं, आप कैमरे में पढ़ लेना, मैं बाद में पढ़ के बता दूंगा आपको। ये कट है, एक सीधा गया है, एक जो ऊपर गया है यहाँ पे है, ये रोड मनाली से आ रहा है। ये है हमता का चेक पॉइंट, यहाँ से आपको एंट्री करानी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ से आपको मिलेगा एक फॉर्म, वो आपको फिलअप करके अपनी सारी डिटेल डाल के, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी नंबर, बाइक नंबर, सब कुछ डाल के, उसमें जो भी आप जिस चीज़ से आ रहे हो, आपका आधार नंबर, और वापस से उधर ही जमा कराना है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पर वो पर्ची दिखानी है और ये आपको गेट खोल के आगे जाने देंगे। ये रजिस्ट्रेशन टाइप का होता है, बाकी और ऊपर आपको दिखाते हैं रास्ते में चल के। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पहाड़ों में ड्राइव करने का, तो ही आप इस रोड पे, मैं आपको सजेशन दूंगा गाड़ी लेकर आए। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो ना, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो कितनी एकदम, एक तो बिल्कुल यू टर्न से भी ज़्यादा टर्न है, छोटे छोटे से टर्न है, और उसके बाद टर्न छोटे होने के बाद एकदम से अपर बहुत ज़्यादा स्टीप है रोड चढ़ाने में। मगर आप अगर थोड़ी भी और भी गलती करोगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी बैक चली जाए। देखो ये देखो, दिखाओ उधर को, ये देखो कितना स्टीप है। जूम आउट कर रहा हूँ ताकि दिख जाए इसमें पूरा कट, बहुत ज़्यादा स्टीप कट है इसके, और एक नहीं इसके सारे कट्स ही ऐसे हैं हमता पास जाने के। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप स्किल ड्राइवर हैं पहाड़ों के तो ही लाएं, वरना आप थोड़ी सी दिक्कत में शायद यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल एकदम कर्व है, क्योंकि बहुत, एक तो कर्व बहुत ज़्यादा है, फिर कर्व के साथ साथ स्टीप भी बहुत ज़्यादा है। अब स्नोफॉल के टाइम पर तो यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा स्लिप होंगी, चाहे आप ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, इतनी ज़्यादा स्लिप होंगी गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। दोस्तों देखो रोड की कंडीशन क्या है यहाँ पे, देखिए बार मुझे देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा था अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो ही गाड़ी लेकर आए। ट्रक ऊपर से आ रहे हैं, ये लकड़ी लेकर आ रहे हैं जंगल से काट के, या पता नहीं वैसे भी ऊपर कुछ फैक्ट्री वगैरह इनकी कुछ भी होगी लकड़ी की, तो ये ऊपर से लकड़ आ रहा है। और इतने हैवी हैवी ट्रक इस रोड पे चल रहे हैं, रोड बहुत रिस्की है और भाई खराब रोड की कंडीशन है बहुत ज़्यादा। देखो चलने को तो एल्टो भी चल रही है, आगे बलेनो भी जा रही है, सब लोग लेके जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इनको जो मुझे लगता है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लोकल भी है, कुछ एक्सपीरियंस होगा लोगों को माउंटेन में, जिनको माउंटेन में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने पहले भी काफ़ी बार चलाई होगी, तो आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह आपको अच्छा है तो ही यहाँ लेकर आए, वरना सबसे अच्छा है आप अपनी गाड़ी या बस से जैसे भी आ रहे हैं उनको नीचे खड़ी रहने दें और इनकी गाड़ी हायर कर लें, लोकल बंदे जो होते हैं यहाँ पर ड्राइवर ही है, या अपनी गाड़ी पर किसी को बंदा कोई हायर कर लें, वो ज़्यादा सेफ रहेगा।
बाकी आपकी स्किल अच्छी है ड्राइविंग की तो आप लेके आराम से आ सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। गाड़ियां सब चल रही हैं। तो ऑल्टो फोर बाय फोर, हमारी ऑल्टो तो भाई सारी दुनिया जानती है 4x4 है, बट स्नोफॉल मुझे लग नहीं रहा हो रहा है क्योंकि जो भी ऊपर से गाड़ी आ रही है, अगर स्नोफॉल हो रहा होता अंत पास में तो इनके ऊपर जरूर स्नो होती, इनकी छतों पे, बॉनेट पे, आगे बम्पर ग्रिल वगैरह पे बॉनेट स्नो होती जो ऊपर पड़ रही है, बट किसी भी गाड़ी में मुझे अभी तक स्नो नहीं दिखी है, तो शायद स्नोफॉल नहीं हो रहा, सिर्फ बारिश हो रही है। तो सिर्फ बारिश हो रही है तो ये बैड न्यूज़ है। क्या यार इतनी कीचड़ देखने थोड़ी ना जा रहे हैं, स्नोफॉल देखने जा रहे हैं। देखो भाई रोड की कंडीशन देखो। अब यार तुम लोग वो निकाल लो, बोलो उसको रख के। तो दोस्तों यहाँ पे फंस रही है गाड़ी बहुत ज़्यादा, एल्टो फंस गई थी, अभी एक निकल गई, मैंने इतने गोप्रो निकाला, इतनी गाड़ी दो तीन फंसी थी निकल के चली गई। तो ये फॉग जमी हुई है शीशे पे, तो चल दो चलते हैं ESP ऑफ करके। ये रुकने की क्यों बोल रहे थे हमें? बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है भाई, बहुत बुरी हालत है रोड की, गाड़ी में भी पत्थर लगे हैं चलते पता। हाँ हाँ वो देखे थे टायर, बुरी हालत है यार यहाँ की। तो भाइयों देख ही सकते हो आप वीडियो में यार इतना देखो नहीं पता चलता है, जो रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। गाड़ी स्लिप कर रही है बहुत ज़्यादा, जबकि मेरे ऑल ट्रेन बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, जस्ट ट्रिप से आने से पहले ही डलाए हैं, फिर भी गाड़ी स्लिप कर रही है। तो ऐसे आराम से जाएगी ना? हाँ उतर तो जाएगी, स्लिप तो होगी यार उतरते हुए भी ना, कीचड़ इतनी है कि ग्रिप यहाँ पे टायर की बन नहीं पा रही है, और ऊपर से बारिश हो रही है तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। पूरी गाड़ी कहाँ जा रही? गाड़ी अपनी मर्जी से चल रही है भाई, मुझे लगता है मेरी सीट रपट रही है जैसे। हाँ ऐसा लग रहा है दोस्तों, गाड़ी जैसे गाड़ी भी चल रही है, सीट हमारी सीट अंदर गाड़ी की इधर उधर लेफ्ट राइट जा रही है, बट ये गाड़ी की सीट नहीं हुई या गाड़ी जा रही है? ये देखो अभी भी लगा। तो भाई अगर स्नो फॉल हुआ तो मैं तो छोटी मोटी वीडियो बना के फटाफट निकल लूंगा, क्योंकि स्नो फॉल नीचे आया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। वैसे जो मुझे याद है मैंने पहले बार अज्जू 0008 भाई है उनकी वीडियो देखी है यहाँ की, वो शायद थोड़ा बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे वॉल वगैरह सी भी थी और वो वहाँ पे उन्होंने ड्रिफ्टिंग वगैरह करी थी अपनी फॉर्चुनर 4x4 से, तो शायद वो एरिया अभी नहीं आया है जो मुझे अंदाजा लग रहा है, बाकी पता नहीं भाई बारिश हो रही है, रोड समझ नहीं आ रहा कुछ भी, आगे निकल गए या अभी आगे ही है पता नहीं। दोस्तों आप डिजायर फंस गई है आगे, डिजायर ना निकले, एक्सयूवी तो हमारी निकल गई क्योंकि ऑल ट्रेन टायर हैं, तो ऑल ट्रेन टायर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है मुझे यहाँ पे, अगर मेरे ऑल ट्रेन टायर नहीं होते तो शायद मैं इधर नहीं निकल पाता। मुझे तो लगा था कि मैं मिलूँगा आपको ऊपर जाके अमता पास पे, उसमें फॉलो करा हुआ दिखाऊँगा, बट यहाँ तो भाई कंडीशन ही दूसरी है, तो मुझे भी नहीं लग रहा गोप्रो में भी कुछ दिख रहा है। दिख रहा है गोप्रो दिख रहा है लेफ्ट, मगर भाई दिख नहीं है इसमें कुछ भी, मुझे नहीं दिख रहा, रोड पे बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, बिल्कुल जीरो, इतने ज्यादा क्लाउड हैं कुछ नहीं दिख रहा भाई, कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है रोड की।
इधर तो कुछ भी नहीं है। बंद करो भाई, बहुत ज्यादा ठंडी हवा है। मतलब यार इतनी गंदी बारिश और इतने कोहरे में जा रहे हैं हम, क्या 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 ये कहे कि काहे की एंजॉयमेंट है भाई? एडवेंचर बहुत है, बहुत ज्यादा एडवेंचर है, ऐसा लग रहा है कोई जरूरत है उससे भी बहुत ज्यादा एडवेंचर है इधर। एडवेंचर बहुत है, कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई उसकी ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग लेने आए। वो भी नहीं होता यार, मैं इंडिवर की ऑफ रोडिंग पे गया था तो वहां भी इतना नहीं था, यहाँ तो भाई। बट सही है, चल रही है गाड़ी भाई, चला रही है पब्लिक। थोड़ा टाइम की बात है भाई, थोड़ी ड्राइविंग की बात है, स्किल की। बंदे बाहर के हैं फिर भी गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं आराम से। सामने से देखो अल्टो आ रही है, तीनों गाड़ी 4x4 निकली भी साइड में। बलेनो भाई जा रही है भाई, ये आ गया क्या? यही है क्या? पता ही नहीं चल रहा है यार कुछ भी। अगर ये है भी तो क्या फायदा, कोहरा या इसे बादल कह लो, धुआं कह लो, जो भी दिख ही नहीं रहा इसकी वजह से कुछ। आप आओ घूमने मनाली और माल रोड पे, आप जैसे अपने होटल से निकल के निकलते हो आपको पता चलता आपकी होटल की सीढ़ियों के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो किस बात की एक्साइटमेंट? अगला ब्रेड पकौड़ा खा रहा है बगल में लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, बस खुशबू आ रही है दूर से, भाई कहीं ब्रेड पकौड़े खबर है। ऐसा ही हाल है भाई यहाँ भी, जब तक दिखेगा नहीं तो एंजॉय कैसे करेंगे? चारों साइड व्यू ही व्यू है लेकिन बस हमें दिख नहीं पा रहा है। व्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे सुंदर ही होगा, सुंदर ही है, मुझे दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा, सुंदर ही है। थोड़ा क्लाउड वगैरह की वजह से अभी कुछ भी दिख रहा है। सामान बंदा अगर कोई चोरी करके घास पे लेट जाए ना तो CBI ना ढूंढ पाए वहाँ पे कि बंदा कहाँ चला गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम तो पास में एक जंग सी होगी, बस अगर पहुँच गए ना तो ये लगा लो हमने कोई जंग जीत ली। 40-50 मिनट की तो हम रिकॉर्डिंग ही बना चुके हैं। चल भाई पहले तू जा, फिर आएंगे हम पीछे से। मैं तू पीछे आ गया तो हम फंस जाएंगे। नो फोटोग्राफी फॉर्म नहीं हूँ मैं भी, बट गाड़ी जितनी सारी पार्क है यहाँ देख के लग रहा है यार यहाँ भी स्नो के कपड़े लाए तो। इतनी गाड़ियाँ पार्क देख के मुझे लग रहा है हम तो बस आ गए। ऊपर लेके चले क्या गाड़ी? जाएगी, चली तो जाएगी। बस तो फाइनली रीच हंता पास, देखते हैं क्या है यहाँ पे ऐसा जो ऐसे रास्ते से लेकर आया भाई हमें, क्या क्या है दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों गाड़ी की कंडीशन देखो क्या हो चुकी है, साफ गाड़ी लाए थे नीचे से, ऐसा लग रहा कोई रैली वगैरह जो होती ना। अरे गाड़ी की लाइट बंद कर दियो, जरा लाइट ऑन है यार, लाइट ऑन है, गाड़ी की लाइट बंद कर दियो प्रॉपर। ऑफ रोडिंग करके आई है भाई गाड़ी, क्या कंडीशन हो चुकी है भाई गाड़ी की, पीछे से साफ है शैडो के मुकाबले। तो ये इस पॉइंट पर आ गए हम जहाँ से आगे तक जिप्सी जा सकती है हम नहीं।